फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद जैन फारूक है और आप देख रहे हैं बेसिक एंड आइडियल कॉन्सेप्ट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी पिक्चर को अगर आपने सिलेक्ट कर ली है और उसे दूसरी पिक्चर पे लगा भी लिया है लेकिन आपसे वो एडजस्ट नहीं हो पा रही, वो पिछली बैकग्राउंड ज्यादा भरी आ रही है और कैमरे पे वर्चुअल सी लग रही है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे इस वर्चुअलिटी को दूर करना पड़ता है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में खबर देता रहूं। तो सब चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने फोटोशॉप ओपन कर लेना है। ये ले, मैंने आप फोटोशॉप ओपन कर लिया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोल ओ दबाना है और इमेज अपनी ले लेनी है पीएनजी। पीएनजी अब वो पिक्चर होती है जो आपने अगर सिलेक्ट की हो और बैकग्राउंड उसकी डिलीट कर दी हो तो उसे आपने सेव किया हो। जैसे ये मेरे पास पीएनजी है, अब ये देखिए, ये मेरे पास मोटूल पहले सिलेक्ट कर लिए, ये मेरे पास अकेली इमेज है, पीछे बैकग्राउंड नहीं है मेरी क्योंकि मैंने ये सिलेक्ट करके कट करके इसे नई बैकग्राउंड पर सिलेक्ट किया है और जो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड आती है उसे यहाँ पे लेयर्स से जाके डिलीट कर चुका हुआ हूँ। तो ये मैंने आपको पहले लेसन में बताया हुआ है, मेरी पहली वीडियो में आप जाके ये देख सकते हैं इसके बारे में। और अब ये मैंने इमेज एक सिलेक्ट कर ली है, इसके बाद एक और इमेज ओपन करनी है क्योंकि उसे बैकग्राउंड पे सेट जो करना है हमने, वो मैं आपको ओपन कर देता हूँ। ये ओपन हो चुकी है हमारे पास, इसे हमने पीछे ले जाना है और इसे कंट्रोल और आर्ट दबा के हमने इस इमेज पे ले आना है। इसे आप बंद कर देंगे। अब कंट्रोल जीरो दबाना है हमने ताकि ये हमारा ट्रांसफॉर्म करने में हमें आसानी रहे। कंट्रोल जीरो दबाना है। दोस्तों, आपने एक बात जरूर याद रखनी है, जब भी आप मूव टूल सिलेक्ट करें आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स पे टिक लगाओ और ऑटो सिलेक्ट पे टिक लगाओ। इसका अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको इतनी समझ नहीं आएगी लेकिन जब आप खुद करके देखेंगे तो आपको काफी पता चलेगा कि इसपे क्या क्या है, इसके फायदे हैं। जैसे अगर मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं इसे कहीं भी ले जा सकता हूँ और ये मेरे पास शो हो रही है सिलेक्शन। अगर मैंने इन्हें नहीं सिलेक्ट किया तो ले तो मैं फिर भी जाऊंगा लेकिन मुझे शो नहीं होगी सिलेक्शन। अगर मैंने ट्रांसफॉर्म इसे करना हो तो वो मुझे मसला बनेगा, फिर मैं कैसे करूँ, ना डबल क्लिक कर सकता हूँ ना कुछ। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये ऑटो सिलेक्ट और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल जरूर रखें ताकि ये आपको शो हो। ठीक है, ये अब मैंने एक इमेज अपनी ले ली हुई है, अब इसके हिसाब से हमने क्रॉप करना है इमेज को ताकि हमारी इमेज जरा ठीक लगे। कंट्रोल एंटर, ये देख लें, अब मेरी इमेज जरा लग रही है कि कुछ है, यानी कि कोई एडजस्ट लग रही है। इसी वजह से आपने ध्यान रखना है कि इमेज को क्रॉप कर लें ताकि आपकी इमेज जो आपकी पिक्चर है, रियल जो लेयर है उसके हिसाब से बैकग्राउंड एकदम सेट हो जाए और ज्यादा वर्चुअल भी ना लगे। अब देखें, वैसे है कि और बैकग्राउंड और वर्चुअल किस्म की है लेकिन मैंने फिर भी थोड़ी एडजस्ट कर दी है। सिर्फ क्या हुआ है, सिर्फ एक क्रॉप टूल की मदद से एक इमेज सेट हो गई है। इसी तरह आप अगर आप कहते हैं कि आपकी ये जो लेयर है ये आप इसे वाइट करना चाहते हैं या कुछ और है तो लेयर पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से डॉज टूल है, ये डॉज टूल है, इससे सिलेक्ट करके आपने जरा इसे वाइट कर देना है लेयर को ताकि आप अपनी पिक्चर को बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट कर लें। ये देख लें, अब मेरे जरा हो रही है और अब मेरा रंग जरा फेयर निकल आया है। ये मेरी ही पिक है दोस्तों, इसलिए कोई और किसी किस्म की बात नहीं है। इसके बाद और भी काफी टूल्स हैं, वो एडजस्टमेंट का मैं अब आपको अगला लेसन दूंगा क्योंकि इस लेसन में मैंने आपको बस इतना ही बताना था कि क्रॉप टूल की मदद से हम किस तरह इमेज को बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और यही लेसन था पिक्चर एडजस्ट करना। क्रॉप टूल की मदद से भी हो सकता है और अगर आप जिस तरह भी चाहें आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ठीक है, फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।